बहुत जन हमसे ये पूछते हैं कि हमको एक मंदिर बनवाना है तो कैसे एक मंदिर का ट्रस्ट डीड बनाएं। या अगर आप एक मंदिर बनाना चाहते हो और उसको ट्रस्ट में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो उसके लिए क्या प्रोसीड्योर है, ये आप जानने के लिए मेरे को बहुत बार SMS या मैसेज करते हो। तो मैंने सोचा कि इस बारे में मैं एक वीडियो बनाऊं और आपको कुछ जो कॉमन क्वेरी है आपका उसका एक सोल्यूशन दूं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेरी आता है वो है कि मेरे को एक मंदिर बनवाना है और उसको ट्रस्ट के अंडर रजिस्ट्री या रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो मैं इस चीज को कैसे करूं। अब देखिए, दो सिचुएशन हो सकता है यहाँ पे, मैं दो चीज को कवर कर रहा हूँ फिर मैं मेन जो टॉपिक है वहां पे आ रहा हूँ। पहला सिचुएशन है कि आपके पास मंदिर बनाने का कोई जगह है नहीं, और दूसरा सिचुएशन है कि आपके पास मंदिर बनाने का जगह है, तो क्या करेंगे। देखिए, अगर आपके पास कोई जगह नहीं है मंदिर बनाने के लिए पर आप चाहते हैं कि ट्रस्ट बनाएंगे और फिर एक मंदिर बनाएंगे, तो वो काम भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको एक ऑफिस दिखाना होगा। ये ऑफिस जो है, ये जरूरी नहीं कि वो मंदिर जहां पे आप बनाना चाह रहे हो उसी जगह पे ऑफिस होगा, वो ऑफिस आपका घर में भी हो सकता है। मान लीजिए कि आप जो जिला या मोहल्ला से रहते हो उसमें जो आपका जहां पे घर है वहां पे आप एक ट्रस्ट या NGO का ऑफिस दिखा सकते हो, और आप जहां गांव में रहते हो वहां पे आप एक मंदिर या जो आपका मेन पर्पस है इस ट्रस्ट का उसको एक्टिविटी उसका जो एक्टिविटी वो कैरी ऑन कर सकते हो, उसका कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि आज के दिन आपके पास मंदिर बनने का जगह नहीं है, सिर्फ आपका घर है, तो घर को ऑफिस दिखा के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। दूसरा जो सिचुएशन है कि अगर आपके पास मंदिर बनाने का जगह है तो बहुत बढ़िया बात है, आप जब ट्रस्ट या जो आपका NGO फॉर्मेशन करेंगे तभी आप उसी एड्रेस यानी वो मंदिर का जो एड्रेस है उसी एड्रेस से आप ये जो ट्रस्ट है ये NGO है उसको फॉर्मेशन कर सकते हैं आप। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ये सब चीज बताने से आपका जो क्वेरीज होता है ना उसका सोल्यूशन मिल जाता है, तो क्या होता है चीज को समझने में बहुत ही आसान रहता है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, एग्जांपल आप अच्छे से समझ लीजिए। मान लीजिए आप जहां पर रहते हैं वहां पे कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल है और वो स्कूल जो है वो 5 साल पहले बना है। अब वो स्कूल जो है वो किसी ट्रस्ट के अंडर में है और वो ट्रस्ट 50 साल पुराना है। अब इस चीज को आप सोच के देखिए कि जब ट्रस्ट बनवाया गया था 50 साल पहले तब वो स्कूल का तो एग्जिस्टेंस था नहीं, एक ट्रस्ट बनाया गया था और वो ट्रस्ट धीरे धीरे जो एक्टिविटी करते गए तो 45 ईयर्स बाद उन लोगों को लगा कि हम लोग अभी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल ओपन करेंगे, तो इसलिए वो लोग जगह एक्वायर किए और वहां पे एक स्कूल बनाए और फिर उस स्कूल को ट्रस्ट के अंडर पे लेके आए। तो ऐसा जरूरी नहीं होता है कि आप जब ट्रस्ट बनाएंगे आपके पास सारा प्रॉपर्टी सारा फैसिलिटीज होंगे तभी आप जाके ट्रस्ट बना सकते हैं। आप धीरे धीरे जाके एक एक करके अपना जो विंग से उसको ओपन कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यही है कि आप जब ये ट्रस्ट डीड बनाएंगे तो आप जो जो चीज चाह रहे हैं फ्यूचर में वो सारे चीज को जितना तक हो पाए आप इनकॉर्पोरेट कर दीजिए। आप भी ये नहीं बोल रहे हो कि आप जब ट्रस्ट डीड आज बनाएंगे तो 50 साल बाद क्या करेंगे, उसको भी आज आपको लिखना है, ऐसा नहीं है। पर जो जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो जो पर्पस है, उस चीज को तो आप जरूर अपने डीड में इनकॉर्पोरेट कर ही सकते हो। तो देखिए, आई होप कि ये एग्जांपल देने से आपको समझ में आ चुका है कि ट्रस्ट बनाने के लिए आपको बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको एक ऑफिस दिखाना है, कुछ मेंबर्स जो है उनको कलेक्ट करना है। अभी आते हैं कि अगर आपको टेम्पल ट्रस्ट बनाना है तो उसके लिए क्या करने होंगे। सबसे पहले जो ट्रस्ट डीड बनाएंगे उस ट्रस्ट डीड में क्या क्या चीज होंगे और उस ट्रस्ट डीड के साथ एनेक्सचर क्या है और क्या क्या चीज आपको लगेगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पर बताने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। वो रिक्वेस्ट ऐसा है कि मेरे पास बहुत सारा जो सब्सक्राइबर्स ये क्वेश्चन करते हैं कि सर आप मुझे एक ट्रस्ट डीड का फॉर्मेट दे दीजिए तो हम लोग ट्रस्ट बना लेंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। अगर आप बीमार पड़ते हो तो क्या आप डॉक्टर साहब से ये पूछते हो कि डॉक्टर साहब मेरा 100 डिजीज हुआ है, आप मुझे दवा बता दीजिए, दवा कितने बार लेना है और कैसे लेना है वो हम डिसाइड करेंगे। बिल्कुल नहीं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप अपना प्रॉब्लम बताते हैं, फिर उस प्रॉब्लम सुनने के बाद डॉक्टर साहब ये डिसाइड करते हैं कि आपका हुआ क्या है, उसी हिसाब से आपको मेडिसिन भी देते हैं और डोज भी बताते हैं। तो सेम तरीके से अगर आप ये सोचते हो कि अगर आपके पास वो दवा यानी एक डीट का ड्राफ्टिंग मिल गया तो उसको आप मॉडिफाई करके अपनी हिसाब से बना लेंगे, वो पूरा गलत है। क्योंकि लीगल मैटर जो है वो एक एक्सपर्टाइज फील्ड है, वहां पे जो लोग नॉन लीगल बैकग्राउंड से आ रहे हैं वो अगर इस चीज में हाथ देना चाहते हैं तो जो भी काम करेंगे गलत करेंगे।
जैसे अगर मुझे मेडिसिन के बारे में अच्छे तरीके से नहीं पता है तो मुझे एक्सपर्ट के ऊपर भरोसा करना चाहिए। तो सेम तरीके से अगर आप ये सारा काम करना चाहते हो तो आप अपने नजदीकी कोई भी एडवोकेट, चार्टर फर्म या टैक्स कंसल्टेंसी फर्म के साथ जाके बात कर लीजिए। मेरे ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि आप तक बेसिक जानकारी मिल जाए। और आप में से जो सब्सक्राइबर्स या जो व्यूवर्स आप मेरे से सर्विस लेना चाहते हैं तो वो मेरे साथ हर वक्त कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, हालांकि वो पेड सर्विसेस है। पेड सर्विस इसलिए है ताकि हम लोग के पास हर दिन 100-100 ऐसे क्वेरी आते रहते हैं, तो अगर हम लोग फ्री में कंसल्टेशन देना चालू कर दे तो हम लोगों का जो प्रोफेशनल सर्विस है वो हैम्पर कर जाएगा। तो इसीलिए हम लोग नॉमिनल चार्ज लेके हम लोग अपना आपको प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। चलिए आप मेन मुद्दे पे आते हैं। तो अगर आपको एक टेम्पल ट्रस्ट बनाना है तो उसके लिए आपको डीड बनाना होगा। और डीड में कौन कौन सा चीज को इनकॉर्पोरेट करने होंगे, सबसे पहले आपको कोई भी ट्रस्ट या एनजीओ बनाने के लिए एक ऑथर, फाउंडर या मैनेजिंग ट्रस्टी चाहिए। ये एक सिंगल पर्सन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ग्रुप ऑफ पर्सन। सिंगल पर्सन जो ऑथर है या फाउंडर या मैनेजिंग ट्रस्टी है वही इस ट्रस्ट को बना रहे हैं और उसको हेल्प कर रहे हैं दो आदमी, एक है सेक्रेटरी और दूसरा है ट्रेजरर। तो ये तीन जो आदमी है, एक हो गया मैनेजिंग ट्रस्टी, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, ये हो गया बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। आई होप कि ट्रस्टी और बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में क्या डिफरेंस है आपको समझ में आ चुका है। अभी और एक कंफ्यूजन आता है कि क्या बोर्ड ऑफ ट्रस्टी से ही एक ट्रस्ट का फॉर्मेशन किया जा सकता है। देखिए, जो मेन लॉ में, जो ट्रस्ट एक्ट में बताया जाता है वह है कि कम से कम आपको तीन आदमी होने होंगे, एक हो गया मैनेजिंग ट्रस्टी, दूसरा सेक्रेटरी, ट्रेजरर, ये तीसरा आदमी। पर उसके साथ साथ आप मेंबर्स को भी ज्वाइन करवाइए, उससे क्या होगा आपका ट्रस्ट का जो फॉर्मेशन होगा वो बहुत ही सॉलिड स्ट्रांग फॉर्मेशन होगा। तो इसलिए कई कई रजिस्ट्रार, रजिस्टर मतलब उनका ऑफिस जहां पे आप ये ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करते हो, वो कभी कभी ये बोलते हैं कि तीन, ये जो बोर्ड ऑफ ट्रस्ट है उसके साथ और भी कुछ मेंबर्स लाइए, कम से कम 7 या 10 जन का एक टीम फॉर्मेशन कीजिए, तभी आपका एनजीओ का रजिस्ट्रेशन होगा। तो अगर वो ऐसा चीज बताते हैं तो आप उसको लीगली चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल चीज है कि सिर्फ तीन आदमी चाहे तो ट्रस्ट बना सकते हैं, पर जितना मेंबर्स लेके बनाएंगे उतना स्ट्रांग होगा। और दूसरा जो पर्पस है, देखिए हालांकि हम लोग जो चीज बता रहे हैं वो सारा लीगल फ्रेमवर्क में है, पर हम जानते हैं कि आज के दिन बहुत सारा ऐसा ट्रस्ट या एनजीओ है जो इलीगल काम करते हैं। तो उसलिए अगर उस टीम में ज्यादा से ज्यादा मेंबर होंगे तो ये लगता है जो रजिस्टर है कि ये जो ट्रस्ट है ये अच्छा तरीके से काम करेगा, क्योंकि इस पे इंटरनल कंट्रोल ज्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेंबर्स है, पब्लिक इन्वॉल्व है। वहीं पे अगर एक या दो या तीन आदमी एक ट्रस्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं तो हो सकता है कि फैमिली का कोई पर्सनल इंटेंशन है जिस वजह से वो ट्रस्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं, कोई अलग या दूसरा इलीगल इंटेंशन है, ऐसा भी हो सकता है। तो जहां पे पब्लिक का गैदरिंग ज्यादा होगा, जहां पे पब्लिक का इंटरवेंशन ज्यादा होगा, वहां पे क्रिस्टलिटी और ट्रांसपेरेंसी ज्यादा दिखाई देगा। तो ये ऑथर, सेक्रेटरी, ट्रेजरर और उसके साथ मेंबर्स को आप ज्वाइन करवा लीजिए। उन सभी को इंडियन रेसिडेंट होने होंगे, उनके पास वैलिड आधार कार्ड, पैन कार्ड ये होना चाहिए, और जब ट्रस्टेड बनाएंगे तो उस पर ऑक्यूपेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सब भी आपको डालना होगा। अब आते हैं एड्रेस ऑफ द ऑफिस ऑफ द ट्रस्ट में। देखिए, अब जो ऑफिस दिखाएंगे उस ट्रस्ट का, उसका जो रिलेवेंट पेपर से वो आपके पास रिसेंट और अवेलेबल होना चाहिए। जैसे अगर आप एक ट्रस्ट बनाने जा रहे हो तो जहां पे आप ऑफिस दिखा रहे हो उसका लेटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स रिसीव आपके पास होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए, अगर आप पंचायत में हो तो उसका जो रिलेवेंट पेपर्स है वो आपके पास होना चाहिए। तो ये सारा चीज अपडेटेड रहेगा तभी जाके आप ट्रस्ट का फॉर्मेशन कर पाओगे। नहीं तो जो ट्रस्ट का फॉर्मेशन क्या करने के लिए आप जाओगे जब, तो रजिस्टर क्या करेंगे, रजिस्टर देख रहे हैं कि आप जो पेपर्स दे रहे हो वो सारा 50 साल पुराना पेपर्स है, अपडेटेड नहीं है। तो ये 50 साल में हो सकते हैं कि उस प्रॉपर्टी को लेके कुछ डिस्प्यूट हुआ हो, जहां पे आप ऑफिस खोलना चाह रहे हैं, तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं। फिर जो है वो है कि ट्रस्ट का नाम और ट्रस्ट का पर्पस आपको बताने होंगे। अगर आप कोई टेम्पल ओपन करने जा रहे हो तो टेम्पल कि कौन से देवता के लिए बना रहे हो वो आप मेंशन कीजिए। और नॉर्मली हम जानते हैं कि जब भी टेम्पल ओपन होता है तो वहां पे कुछ रिलीजियस पर्पस भी सॉल्व होता है, जैसे गरीब लोगों का खाना डिस्ट्रीब्यूट करना या कपड़ा डिस्ट्रीब्यूट करना या और भी जो एंसिलरी काम है वो, तो वो सब भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। फिर चाहे वो है कि ट्रस्ट फंड क्या है, क्योंकि ट्रस्ट फंड के ऊपर आपका रजिस्ट्री फी जो है वो डिपेंड करता है। उसके बाद आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव, ट्रस्ट बनने का पर्पस क्या है, क्यों बना रहे हो, वो आपको बताना होगा।
अगला जो पॉइंट है वो है कि मैनेजमेंट ऑफ ट्रस्ट एंड पावर। ये जो ट्रस्ट आप बना रहे हो उस पर ट्रस्टी का क्या पावर है, मैनेजमेंट का क्या क्या पावर है, कैसे वो लोग सारा चीज को इंटरनली कंट्रोल करेंगे, इसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। फिर हो गया मीटिंग ऑफ बोर्ड। बोर्ड का मीटिंग कब होंगे, कब कब होंगे, वहां पे आपका कोरम कितने होंगे। हालांकि हर चीज का एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है, रूल है, फिर अगर आप चाहे तो उस पर थोड़ा बहुत एडिशन कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे मीटिंग पहले तो फिजिकल मीटिंग होते थे, पर कोरोना के बाद अभी वर्चुअल मीटिंग भी अलाउड है, तो वो सब चीज भी आपको इनकॉर्पोरेट करने होंगे। और फाइनली अकाउंट्स एंड ऑडिट को लेके आपको जो आपका व्यू पॉइंट है वो आपको एक्सप्रेस करने होंगे कि आप जो अकाउंट्स बनाएंगे उसको साल में एक बार आप जरूर रिव्यू करके देखेंगे, उसको ऑडिट कराएंगे, उसका जो रिक्वेस्टेड इनकम टैक्स फाइल है उसको फॉर्म करेंगे, जो रिस्पेक्टिव अथॉरिटी है उसके पास अपने अकाउंट सबमिट करेंगे, एनुअल रिटर्न सबमिट करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो सारा चीज आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे। मोटा तौर पे देखा जाए तो कम से कम ये सारी इन्फॉर्मेशन आपका ट्रस्ट डीड में होना चाहिए। हालांकि ये ट्रस्ट डीड जितना आप लेंथी बनाएंगे उसमें और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। पर आई होप कि आज के इस वीडियो से आपको टेम्पल ट्रस्ट के बारे में बहुत ही फाइन ट्यून नॉलेज मिला है। ऐसी यूजफुल वीडियो के लिए आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।